छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत के बाद एक हफ्ते से मुख्यमंत्री के नाम पर जारी नूरा कुश्ती अब खत्म हो चुकी है। बीजेपी आलाकमान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। विष्णु देव साय प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रायपुर से दिल्ली तक सीएम के चेहरे को लेकर मंथन का दौर अब खत्म हो चुका है। आज विधायक दल की बैठक में साय के नाम पर आम सहमति बन चुकी है। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। छत्तीसगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। इसके लिए मैं सभी सम्मानित नव निर्वाचित विधायक बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपको बता दें कि विष्णु देव साय जशपुर जिले की कुनकुरी सीट से विधायक हैं। इन्होंने कांग्रेस के यूडी मिंस को 25,451 वोटों से हराया था। इसलिए बीजेपी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए अगले 5 सालों के लिए सूबे की कमान सौंप दी। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान साय को भारी बहुमत से जिताने की अपील करते हुए कहा था, इन्हें जिताइए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। भाइयों बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। पेशे से किसान और आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले विष्णुदेव साय 4 बार सांसद और 3 बार विधायक रह चुके हैं। साय केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2020 में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विष्णुदेव साय प्रदेश में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। हालांकि चुनाव से पहले बीजेपी ने किसी भी नेता को बतौर सीएम पेश नहीं किया था। पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद सीएम पद की रेस में विष्णुदेव का नाम सबसे टॉप पर था। एक हफ्ते तक रायपुर से दिल्ली बैठकों का दौर चला, कई नामों पर मंथन भी हुआ। आज रायपुर में विधायक दल की बैठक भी हुई, जिसमें रमन सिंह ने विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव रखा था और उसके बाद आलाकमान ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय की गिनती रमन सिंह के करीबियों में होती है, साथ ही वो संघ से भी ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा साय प्रदेश में बड़ा आदिवासी चेहरा भी, इसलिए 2024 लोकसभा चुनावों को देखते हुए साय के नाम का ऐलान कर बीजेपी ने एक बड़ा दाव चल दिया है। मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी। आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग त्रस्त था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है, और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। अगर हम बात करें साय के राजनीतिक जीवन की, तो उन्होंने पहले तो 1989 में सरपंच चुनाव लड़ा और अपने गांव बगिया के सरपंच बने। यहां से इनका पॉलिटिकल करियर ग्राफ बढ़ता गया। विष्णुदेव साय 1990 से 1998 तक तपकरा से विधायक रहे। 1999 में रायगढ़ से सांसदी का चुनाव लड़ा और जीता भी। 2006 में बीजेपी ने इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद 2009 में रायगढ़ से फिर सांसद निर्वाचित हुए। 2014 में 16वीं लोकसभा सीट के लिए फिर से सांसद बने और केंद्र में राज्य मंत्री का पद संभाला। लेकिन इस दौरान 2018 के चुनाव हुए और छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ। रमन सिंह के हाथ से सत्ता फिसली तो पार्टी ने साल 2020 में एक बार फिर इन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। चुनाव से पहले विष्णुदेव साय को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। साय ने इस विधानसभा चुनाव में पार्टी संगठन को मजबूत किया और जीत के लिए जमीन तैयार की। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और 54 सीटें जीतकर भारी बहुमत से जीत हासिल की। विष्णुदेव साय की इसी मजबूत प्रोफाइल और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और अगले 5 सालों के लिए सूबे की कमान उनको सौंप दी। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।